अच्छा जी, तो बात कुछ यूं है कि बचपन से ही मेरे ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। हालांकि घर पे मेरे अब्बा नहीं थे, मगर पढ़ाई का प्रेशर फिर भी था। क्यों? क्योंकि मेरे पास माँ है। अब माँओं का तो हम सबको पता है, ब्राउन मॉम्स। मेरी अम्मी ने भी मुझे बड़ा ब्लैकमेल किया इमोशनली कि बेटा अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने भी दिन रात पढ़ाई की और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और फिर फाइनली मैं पहुंच गई यहाँ। भाई, मैंने हमेशा से सुना है कि किसी बड़े इल्मी इदारे में जाओ तो वहां पर आपको इल्म के ऐसे खजाने मिलते हैं जिसके बगैर जिंदगी बेकार है। नहीं, भला मुझे बताओ, हमें यहाँ क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, मुझे क्या मिला? ऐसा क्या मिल गया यहाँ हमें? मुल्क के हर बड़े ओहदे पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का आदमी या औरत बैठे हुए। तो भाई, मुल्क का ये हाल क्यों है? हम सब अपने एक्स का वाई ढूंढने में मसरूफ हो जाते हैं और बेसिक मैनर्स जो बेसिक हैं वो सीखते ही नहीं है। अलमारी में गालिब पड़ा है, शेक्सपियर पड़ा है, लेकिन फिर भी सड़क पर ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे चंगेज खान से आज ही लड़ने जाएंगे, आज ही हिसाब किताब होगा सारा उससे। वही ना, बेसिक मैनर्स ही नहीं है। सब पता है, सब मालूम है, लेकिन आदत नहीं है। अब मैम मैम, वो छोड़ देना, उसको स्पेस दे दें थोड़ी सी। सुन रहा है वो मुझे? बाकी सब भी सुन रहे ना, वो भी सुन लेगा। वैसे हमारी मिस शुमाइला मैम को अगर देखा जाए तो उनकी शक्ल से लगता है साफ साफ कि आज उन्होंने चीफ गेस्ट के नाखून भी चेक करके उन्हें यहाँ पे बिठाया है। अच्छा मैम, ओके। भाई, फ्रेंड्स, मैम को बहुत गुस्सा आ रहा है और उसके साथ साथ हमारी प्रिंसिपल का भी मूड ऑफ हो गया है। अब वो मुझे कह रही है कि मैं स्टेज से उतर जाऊं। ओके 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 ओके। वैसे मजा नहीं आ रहा, घर वाला माहौल बन गया है। मतलब प्रिंसिपल साहिबा भी यहाँ पे हैं, मेहमान खसूसी भी यहाँ हैं और दूर से मैम इशारे कर रही हैं कि मिसबिहेव नहीं करना। ऐसा ही होता है ना, घर के लाउंज में जब हम बैठे होते हैं तो हमारे बाहर से मेहमान आते हैं तो दूर से अपने अब्बू इशारा करे होते कि बेटा मिसबिहेव नहीं करना, एक्टिंग कर लो, प्रिटेंड कर लो। बेशक अंदर खाते कोई तमीज़ नहीं है, लेकिन तमीज़ से बात करने की एक्टिंग कर लो। अच्छा मैम, उतर रही हूँ। आई नो प्रिंसिपल साहिबा का मूड ऑफ हो गया है। भाई, दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का ब्रेकअप हो जाए, चाहे जलजला आ जाए, चाहे आसमान फट जाए, लेकिन हमारी प्रिंसिपल के पास हर बात का एक ही हल है। भला क्या? कि माय नेम इज ज़ारा खान एंड आई एम फ्रॉम ट्विन सिटीज। ट्विन सिटीज के बारे में तो सबको पता है ना, पिंडी और इस्लामाबाद। पर ये भला कौन से ट्विन्स हैं जिनकी ना तो कोई शक्ल मिलती है ना ही कोई और चीज? मेरी दोस्त है अलीना, बचपन की दोस्त है, वो भी ट्विन सिटीज से है। उसका हमेशा से एक मशवरा है, उसका हमेशा से एक मसला है। वो मुझसे हर बात पर मशवरा मांगती है, हर किसी से हर बात पर मशवरा मांगती है। जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले उसने मुझसे मशवरा मांगा था। फिर जब कोई भी लड़का उसे प्रपोज करता था तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले मुझसे मशवरा मांगती थी। और फिर अब हो गई उसकी शादी। मुझे लगता है आपको भी किसी से मशवरा ले लेना चाहिए। क्या? कि कॉमेडी करनी चाहिए कि नहीं? थैंक यू आपके मशवरे का। तो जो मेरी दोस्त अलीना है उसे हर बात पे मशवरा करना होता है। मुझे तो लगता है कि उसे दोस्त बदल लेनी चाहिए। आप स्टेज पे आ जाओ, आप बहुत फनी हो, सब आपको देख के हंस रहे हैं। नहीं नहीं आप स्टेज पे रहे, बहुत मजा आ रहा है। मैं बात कर रही थी कि हमारे माशरे में ऐसी चीज क्यों होती है कि जब कोई लड़की की शादी होती है तो सब उसके पीछे
अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह पड़ जाते हैं कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। इसी तरह एक दफा हम अपनी टीचर के साथ यूनिवर्सिटी में मरी गए थे, तो टीचर की नई नई शादी हुई थी। अब हम लोग मरी की हाइट्स और गुलाइयों की वजह से टीचर की तबीयत खराब हो गई, उन्हें नौजिया आना शुरू हो गया। तो हमने बस रुकवाई, हमने ड्राइवर को कहा कि जाके लीमू पानी ले आए टीचर के लिए, तो वो साथ में मिठाई भी ले आया। यार आप ना टीवी पे आया करें, बंदा वहां चैनल तो बदल लेता है। थैंक यू एवरीबॉडी, इट वाज अ लवली इवनिंग। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।